प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पे हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं, -3, 10 और 6, -8। इसको मिलाने से जो रेखाखंड बना है उसको बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है हमें यह बताना है। प्यारे बच्चों इससे पहले क्वेश्चन क्या था, दो बिंदु दे रखे थे, उससे जो रेखाखंड बना हुआ है उसको कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता था, वो बिंदु निकालना था, अनुपात दे रखा होता था। अब की बार उल्टा कर दिया है, अब की बार अनुपात निकालना है, बिंदु दे रखा है। अब की बार क्या है, अनुपात निकालना है और बिंदु दे रखा है। अब आप देखेंगे कि यहां पे हमने ये जो दो बिंदु थे इनको ए और बी मान लिया, और जो बिंदु जो किसी अनुपात में विभाजित करता है उस बिंदु को हमने आर मान लिया। अब हमें अनुपात निकालना है, तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको अनुपात निकालना हो तो अनुपात हमेशा आप क्या मान लोगे, के अनुपात ए। तो माना बिंदु आर, रेखाखंड ए बी को के अनुपात एक, इसमें के अनुपात एक में विभाजित करता है। तो हमने ये मान लिया कि ये के अनुपात एक में विभाजित करता है, यानी कि ये के हो गया और ये एक हो गया। जब भी मानेंगे तो के अनुपात एक मान लिया। अब आप देखेंगे हमारे पास x1 का मान कितना है, -3, y1 का मान कितना है, 10, -3, 10, x2 का मान हमारे पास 6 है, y2 का मान हमारे पास -8 है, m1 का मान हमारे पास k है और m2 का मान हमारे पास 1। तो x1, y1, x2, y2, m1 और m2 सबके मान आ गए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, बिंदु r के निर्देशांक पास निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे कि बिंदु r के निर्देशांक, तो हम बिंदु r के निर्देशांक निकालते हैं कौन से, विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र लिख देते हैं, m1x2+m2x1 बटे में m1+m2, इसी तरह से m1y2+m2y1 बटे में m1+m2। तो ये हमने लिख दिए। अब देखो बिंदु r के निर्देशांक तो हमें पता ही है कितने हैं, -1 और 6, और यहां इसके हिसाब से क्या बनेंगे, m1x2 छह के और k की गुणा करेंगे तो 6k, m2x1 एक की -3 के साथ गुणा करेंगे तो -3 बटे में k+1, m1 का मान k और m2 का मान k। इसी तरह से m1y2 -8k, -8 और k, m2y1 +10 बटे में k+1। अब ये इसके बराबर है, यानी कि x निर्देशांक के बराबर है और y निर्देशांक के बराबर है। तो कोई सा भी एक ले लो, यानी कि हमारे पास -1 बराबर है 6k-3 बटे में k+1। तो यहां से हम इसकी आर पार गुणा कर देते हैं, तो -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का k और माइनस का 1 बनेगा और ये 6k-3 हो गया हमारे पास। अब देखो माइनस के हम इधर ले आते हैं तो माइनस का 1 तो इधर है ही, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 6k हमारे पास 3 और ये माइनस का k इधर आके प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए और ये हो गए 7k। तो 2 बराबर है 7k या फिर 7k बराबर है 2, तो k का मान कितना आ गया, 2 बटे में 7। अब हमने अनुपात कितना मानना था, अनुपात हमने माना था
के अनुपात एक, तो आया कितना के का मान 2/7 अनुपात 1। तो 2/7 जब भी बटे में कुछ हो तो उससे गुना कर देते हैं, तो 7 से अगर हम इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2/7। तो हमारे पास अनुपात आ गया 2/7, ये हमारे पास इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको अनुपात मानना है तो के अनुपात एक मान लेंगे। इससे क्या होगा, आपको सिर्फ एक मान निकालना है के, तो इसमें अगर कुछ चेंज होएगा तो अपने आप वो बटे में आ जाएगा, और जब हम उसको जो बटे में आएगा उससे गुणा करेंगे तो जो हमारे पास दूसरा पार्ट है अनुपात का वो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए हमारे पास है 1-5 और बी 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये हमारे पास वो रेखाखंड हो गया, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि इसको विभाजित कौन करता है, एक्स अक्ष विभाजित करता है इसको। उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, और जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक भी हमें बताने हैं। अब देखो अगर इसको एक्स अक्ष विभाजित करता है, इसको एक्स अक्ष अगर विभाजित करता है तो कहीं ना कहीं तो एक्स अक्ष इसको काटेगा। देखो अगर आप एक्स अक्ष के दिमाग आपके दिमाग में जो एक्स अक्ष है उसकी इमेज इस तरह से होती है, ये हमारा एक्स अक्ष है, तो आप इसको देखो ए बिंदु ऐसे सोच रहे हो 1 और -5 और बी बिंदु यहां पे हमारा 4-4 और 5, तो ये रेखाखंड ये हो गया, तो इसको एक्स अक्ष विभाजित कर रहे, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो। अब इस रेखाखंड को एक्स अक्ष कहीं ना कहीं तो काटेगा, ये वाई अक्ष नहीं है तो रेखाखंड है, तो कहीं ना कहीं तो काटेगा, इस पॉइंट पे काटेगा, तो इस पॉइंट पे जब काटेगा तो ये जो पॉइंट होगा इसके निर्देशांक कैसे होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे, ए जीरो टाइप के। क्यों होंगे ए जीरो टाइप के, क्योंकि एक्स अक्ष ने काटा है तो एक्स अक्ष पे पॉइंट है वो, और एक्स अक्ष पे पॉइंट है तो उसका वाई निर्देशांक तो जीरो ही होगा, तो वाई निर्देशांक उसका जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये आपको समझाने के लिए, ये वाई नहीं है, ये जो है हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है, ये इस तरह से भी तो हो सकता है कि डी हमारा यहाँ पे -4 और 5। ये दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बना है उसको एक्स अक्ष काट रहा है, तो जब उसको एक्स अक्ष काट रहा है तो कहीं तो काटेगा, मान लो यहां पर काटा है इसको, तो एक्स अक्ष पे भी है पॉइंट और इस रेखाखंड पे भी है पॉइंट, तो एक्स अक्ष पे पॉइंट कैसा होता है, ए जीरो टाइप का, क्योंकि वाई निर्देशांक तो इसका जीरो होगा। एक तो बात है कि वो पॉइंट ऐसा होगा, दूसरी बात हमें अनुपात भी निकालना है, तो अनुपात जब हमें निकालना हो तो अनुपात को क्या मानते हैं, के अनुपात एक मानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि माना एक्स अक्ष रेखाखंड एबी को बिंदु आर कैसा होगा, फिर हमारा ए जीरो टाइप का, बिंदु आर पर के अनुपात एक में विभाजित करता है। देखो हमने एक ही में दोनों काम कर दिए, एक ही क्वेश्चन में एक ही बात को दोनों कह दिया, क्योंकि उसने कहा था कि एक्स एक्सिस को विभाजित करता है तो पहले तो अनुपात निकालो और फिर वो बिंदु भी निकालो, तो हमने कहा कि एक्स अक्ष पर जो इसको विभाजित करेगा कहां पे
फैक्टर है ए जीरो के, और किस अनुपात में, के अनुपात में, यानी कि ये जो आर पॉइंट है ये हमारे पास ए जीरो इस टाइप का है, और अनुपात कितना हो गया के अनुपात ए। तो अब हमारे पास एक्स वन का मान कितना आ गया ए, वाई वन का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस पांच, एक्स टू का मान आ गया हमारे पास माइनस चार, वाई टू का मान आ गया पांच, और एम वन का मान आ गया के, और एम टू का मान आ गया ए। हम क्या लिखेंगे कि बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक फॉर्मूला लिख देते हैं, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे में एम वन प्लस एम टू, और एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे में एम वन प्लस एम टू। अब देखो आर का तो हमें पता है कि आर के निर्देशांक तो कितने हैं, ए जीरो है। अब एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू माइनस चार के, एम टू एक्स वन प्लस ए, एक की एक के साथ पूरा करेंगे तो एक ही आएगा, तो ये के प्लस है। इसी तरह से एम वन वाई टू पांच के, एम टू वाई वन माइनस पांच बटे में के प्लस थ्री। अब देखो हम क्या करते हैं, अब पहले वाला पहले के बराबर होगा, ए बराबर है माइनस चार के प्लस एक बटे में के प्लस एक। अब यहां से तो k का मान निकल नहीं सकता क्योंकि हमें a का मान भी नहीं पता, और दूसरा है जीरो बराबर है पांच के माइनस पांच बटे में k प्लस एक, जीरो के बराबर है, इसको रखते हैं। अब देखो इसको हम r बार पूरा करेंगे, तो यहां पे अगर आप एक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये जीरो बनेगा, यानी कि पांच के माइनस पांच बराबर है जीरो, तो पांच के बराबर है पांच और के बराबर है पांच बटे में पांच, तो के का मान आ गया एक। तो अनुपात हमारा कितना था, अनुपात के अनुपात एक था, यानी कि एक अनुपात एक, एक आंसर तो भी आ गया। दूसरा एक्स अक्ष पे जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते। अब देखो ये बिंदु है तो इसके लिए जीरो का तो हमें पता है कि जीरो है, तो ए का मान निकालना है, ए का मान निकालने के लिए इसमें के का मान रखो, माइनस चार गुना में एक, के का मान एक है, प्लस एक और एक प्लस एक, तो ए बराबर है माइनस चार प्लस एक बटे में दो, माइनस चार प्लस एक, ए बराबर है माइनस तीन बटे में दो। तो बिंदु आ गया हमारे पास एक्स एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक हो गए हमारे पास, उसको हमने आर माना था, तो ये आ गया हमारे पास ए आ गया माइनस तीन बटा दो और जीरो। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है और ये हमारा आंसर सेकंड है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।